रोहतक मंडी में टमाटर व प्याज के साथ साथ हरी सब्जी महंगी हो गई है। इसके कारण सब्जी अब आम आदमी की थाली से दूर होती दिखाई दे रही है। सब्जी बढ़ने का कारण लगातार बढ़ रहे पेट्रोल व डीजल के भाव माना जा रहा है। आज टमाटर का भाव 80 रुपए किलो हो गया और प्याज के भाव भी लगातार बढ़ रहे हैं। जहां घरों में रसोई में टमाटर व प्याज के साथ साथ और सब्जी भी गायब होती दिखाई दे रही, वहीं मंडियों में सब्जी खरीदारों की भीड़ भी कम हो गई है। मंडी में इक्का दुक्का ग्राहक ही दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि सब्जी के साथ साथ हर चीज महंगी हो गई है, जिसमें आमजन तरस रहे हैं। इसमें सर ऐसा है, महंगाई को देखते हुए माल कम लेके आते हैं और खरीदार भी हमारे से कम खरीदता है, जिसमें ग्राहक को हम 10 रुपये पाइए बोलते हैं, कहते भाई महंगा टमाटर का भाव 60 रुपये किलो बताते हैं, भाई बहुत महंगा है, तो उसमें 20 रुपये का 10 रुपये लेके जाता है। महंगाई इतनी हो चुकी है कि गरीब आदमी ने खाना और गुजारा चलना बड़ा मुश्किल हो चुका है। खूब हो रही है, 26 के होगी, 20 था आदमी गोली खा कर अपना पंडा छुटा और अपना घर जाओ, जाना है जाना, आज भी जाना कल भी जाना है, क्यूकर पाला बड़का ना बता किसका गुठे लाओ है, के ना खावा है, सब्जी ना खावा है, रोटी ना खावा है, काए गए ना दे है, मान ना करे, तिल तग ना दे, क्यूकर गुजारा चलाओगा। हाँ भाई, सारी ये चीज महंगी हो रही, क्या बताऊँ तेने, बता कोई सस्ती चीज है नहीं कुछ भी, एक नून की थैली तो ही सस्ती को नहीं, और क्या सस्ता दिखते है सर, तेल बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है और आम आदमी के तो उसे जेब से बाहर है, पेट्रोल वगैरह पैदल जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, कुछ खाने पीने के लिए जैसे बहुत ज्यादा महंगी चीजें हैं, कहीं भी चले जाओ किसी भी चीज के ले लो, बहुत महंगी चीजें हैं। महंगाई तो किसी को भी बोलता जी वही ये बोलता है कि पीछे से भाव तेज हो रखे हैं।